तो लो दोस्तों, कल सुबह 8 बजे कबूतर उड़ाए थे, तो अभी कल पट्ठा रह गया था, दो पट्ठे रह गए थे, भाई बता रहे थे, तो ये देख सकते हैं ये पट्ठा आया हुआ है। तो मैंने कहा चले आप लोग के साथ में वीडियो भी शेयर करें, और ये देखें ये पट्ठा आया हुआ है अभी, और बादल भी माशाल्लाह बने हुए हैं, आसमान बिल्कुल बारिश में मस्त है बिल्कुल। और अभी देखते हैं इंशाल्लाह ये बच्चा आया हुआ है, तो ये जैसे भी पिंजरे पे आएगा इंशाल्लाह आपको शौक करवाएंगे। तो इंशाल्लाह अभी बिल्कुल पर छोड़ चुका है, और एक मुझे और भी एक ऊपर नज़र आया है, तो वो पता नहीं अपना है किसी और का है कोई पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल ये बच्चा तो आ गया है, ये बच्चा तो ये अपना बच्चा। अभी मैं नीचे से खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये बैठेगा इंशाल्लाह। असल में कल मौसम बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से बादल थे और ठंड मौसम सही था, तो ये बच्चे जो है ना फिर रुक ही गए ऊपर। तो अभी बिल्कुल टाइम हो चुका है तकरीबन 7:30 का, और कबूतर अभी आया ऊपर से, क्योंकि देख सकते हैं आप बादल बने हुए हैं, बिल्कुल बारिश का मौसम है, और ये रात को भी थे बादल, तो अभी ये बिल्कुल करीब आ चुका है पट्ठा अभी, तो बादल बने हुए हैं और मौसम बिल्कुल सही है। तो जैसे आके ये बैठेगा इंशाल्लाह, तो अभी ये बैठने के मूड में अभी तक नहीं है, नीचे नीचे इसकी आदत है, बहुत टाइम उठता है ये नीचे नीचे। तो एक कबूतर और भी है ऊपर, तो वो पता नहीं है अपना है या किसी और का है, कोई बोल नहीं सकते, जैसे नीचे आएगा तो वो अभी पता लगेगा, लेकिन आ बड़ी स्पीड में नीचे रहा है वो कबूतर, बिल्कुल स्पीड में आ रहा है। तो देखते हैं ये बच्चा अभी बैठने पे आ गया, ये देखें ये बच्चा, इसने अभी पाँव टिका दी। तो ये बच्चा बैठा, अभी जूमिंग करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ मैं, बिल्कुल ये देखें आप, ये देखें आप, ये बच्चा बैठा। तो इसकी कल यानी सुबह उड़ाया था, सुबह तकरीबन 8 के करीब कल उड़ाया था, और अभी ये आया है। शाम को भाई बता रहे थे कि रात को जब है ना तकरीबन नज़र आ रहा था कबूतर ये, तो नीचे नहीं आया, आसमान से निकला था लेकिन आया नहीं नीचे, फिर उसके बाद फिर ये रात हो गई, तो रात में कबूतर जो है नहीं नज़र आया हमें। तो लाइटें मैंने चालू रखी थी, आप देख सकते हैं लाइटें चालू हैं, ये देख सकते हैं आप लाइटें मैंने चालू रखी थी, तो अभी जो है ये कबूतर बैठ चुका है, और एक भी नज़र आ रहा है मुझे, तो मैं अभी जाऊंगा वो छत पे और इसका आप लोगों को फिर से एक अच्छा सा व्यू करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं अभी जाता हूँ छत पे, बने रहे मेरे साथ में। ये देखें जनाब, अभी मैं छत पे आया हूँ, तो ये आके बैठा हुआ है, तो आ जाइए नीचे, मैं अभी इसका व्यू करवाता हूँ आपको। तो ये करीब से आपको व्यू करवा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये बच्चा है, ये है मेरा 26 नंबर जोड़े का बच्चा, ठीक है, बिल्कुल सेट है, लेकिन ये पर इसने खोले हुए हैं, बुरी हालत में है ये देख सकते हैं। ये आपको भी एक और भी कबूतर मुझे नज़र आ रहा था आसमान में, लेकिन वो इसके पीछे आप देख सकते हैं, वो नज़र आ रहा है, वो देखें इसके बिल्कुल बैक साइड से नज़र आ रहा है कबूतर, वो पता नहीं अपना है या है नहीं। तो देखे थे ये, जैसे अभी से मैं नीचे करता हूँ, फिर आप लोगों के साथ में शौक करवाता हूँ। तो जनाब फिर अभी जैसे ही मैंने सिर ऊपर की तरफ किया इसको नीचे जाने के लिए, तो एक कबूतर अपना वापस ही पट्ठा ही मेरा वो, और बिल्कुल वो आया हुआ है ऊपर से नीचे। पहले मुझे वो ऊपर बहुत दिख रहा था, मैंने जैसे आप लोगों को वीडियो बनाते हुए कहा था कि ऊपर है, लेकिन वो भी ऊपर ही था, अभी आया हुआ है बिल्कुल नीचे ही। तो आइए उसको भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में दिखाता हूँ, क्योंकि पीछे इसके बिल्कुल नज़र आ रहा था ना वही बच्चा है, तो अभी पीछे की तरफ गया हुआ है, बिल्डिंग के उस तरफ गया हुआ है, अभी
मेरे सामने टैंकी आ गई है तो नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो इस तरह है इसी तरफ तो आ जाए, क्योंकि बादल आज बिल्कुल बनने में फुल ज़ोर में है, तो कोशिश है कि भाई वो भी आ जाए वापस, तो ताकि बारिश के टाइम में किधर बच्चा ज़ाया ना हो जाए। तो ये देखें, ये बाहर जा रहा है, ये देखें ये बाहर जा रहा है सुबह सुबह, बिल्कुल ये देखें, ये बाज जा रहा है, देखा आपने? ये अभी मैं चौथा बाज देख रहा हूँ, यकीन माने मैं चौथा बाज देख रहा हूँ ये, तो अल्लाह खैर ही करे, क्योंकि ये बाज जो है ना सुबह सुबह यहाँ से जाते हैं। और अभी मुझे ऊपर भी एक बाज और भी नज़र आ रहा है, वो देखें रात को बिल्कुल वो जा रहा है, अगर कैमराज फोकस करे तो। यहाँ से मेरे तकरीबन 5 या 6 बाज जाते हैं रोज़, और सुबह में, और फिर शाम को रोज़ आते हैं वापस, ऐसे जाते हैं, मतलब उनका डेली की रूटीन है। तो अभी मैं देखता हूँ बच्चा कहाँ गया, तो देखने के बाद, क्योंकि आसमान में ना कबूतर अभी बहुत नज़र आ रहे हैं, तो देखते हैं इंशाल्लाह जो भी होगा। ये अपना एक बच्चा आया हुआ था नीचे, पता नहीं कहाँ गया, मैं उसे देख लूँ फिर आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। ये देखें जनाब कितना नीचे से होके जा रहा है बाज, ये देखें ये चला गया बिल्डिंग के उस तरफ, तो ये अभी मुझे आज बाज बहुत नज़र आ रहे हैं। उधर से भी एक जाता हुआ दिखा, ये तकरीबन अभी मैं ना आपको बता दूं कि ये सुबह 4 देखे, फिर अभी 5 देखा, 5वां देखा, ये छठा 7वां देख रहा हूँ, 7वां बाज देख रहा हूँ आज, यकीन करें बहुत बाज देख रहा हूँ मैं आज। इस तरह का मौसम बना हुआ है बादलों का, और आज तो ये बंगले, ये जो बाज हैं ये तो मतलब है कि आसमान पे जा ही नहीं रहे और नीचे नीचे से जा रहे हैं बिल्कुल। और एक तो ये बंगले भी हैं आज, कल ये पट्टा बंगलों की वजह से, हबीब भाई बता रहे थे कि बंगलों की वजह से ना गायब हुआ था बच्चा, एकदम इसने रफ्तार पकड़ी, दूसरा बच्चा भी इसी तरह, मतलब बंगले हैं ना रात बहुत हैं ऊपर, तो कतार बनाई हुई थी, तो कतार में क्या हुआ फिर, मैंने अभी बच्चे को अंदर कर दिया, तो कतार की वजह से वो फिर अपना बच्चे ने रफ्तार पकड़ी और दूर चला गया जाल से, इसलिए फिर आने में लेट हो गया। नहीं तो ये माशाल्लाह मेरा 26 नंबर का बच्चा है, ये इस तरह नहीं है, बहुत अच्छी परवाज़ दे रहा है, और कल ये बहुत ही ऊपर लग गया था। अभी मैं नीचे का खोलता हूँ तो ये नीचे आएगा, फिर इसका शौक भी करवा देता हूँ। तो ये नीचे आ गया, ये देख सकते हैं ये बच्चा आ गया जो ऊपर से उतरा, और अभी इसे मैंने पकड़ना है और आप लोगों के साथ में शौक करवा देता हूँ, तो बने रहे मेरे साथ में। तो ये अभी बैठा है बेचारा, कल सुबह 8 बजे गया तो अभी आ रहा है, यानी तकरीबन 24 घंटे समझ लें हो गए इसे, तो इसे पकड़ के आप लोगों के शौक में करवा देता हूँ। ये देखें ये है मेरा 26 नंबर जोड़े का बच्चा। तो जनाब अभी जो आया है बच्चा वो ये है, और इसका आप शौक कर लें तो मैं शौक भी करवा दूँ आँख का साथ साथ, तो ये है इसकी आँख, ठीक है, ये मेरा 26 नंबर जोड़े का बच्चा है। तो ये देखें आप दूसरी साइड से भी आँख का शौक कर, ठीक हो गया। और माशाल्लाह ये अभी बचाई हुई है, इसने 6 कलियों का बच्चा है, ये 4 कलियाँ, इसने सॉरी 5 कली का बच्चा है, ये 5 कली का बच्चा है, 5वीं कली इसकी आ रही है, और ये है ये देख सकते हैं आप, इसकी कली भी एक टूटी हुई है, और ये है इसकी कलियाँ जनाब, 5 कलियाँ, ठीक है। तो ये 5 कली का बच्चा है ये, तो कैमरा वापस कर लूँ, तो ये जनाब देख सकते हैं ये, ठीक है, और अभी बिल्कुल कमज़ोर सा हुआ है, मैं इसे दूसरे छोटे जाल में छोड़ूंगा, क्योंकि इस जाल में नहीं छोड़ना मैंने इसे, क्योंकि अभी दूसरे कबूतर मैंने उड़ाने हैं। तो ये बिल्कुल ये देख सकते हैं आप 5 कली का बच्चा, और ये इसकी टेल है, ठीक है। तो ये हैं इसके पंजे, और ये आपको चूड़ी का नंबर दिखा दूँ मैं, तो ये आप नोट कर लें, ये है अल्लाह भला करे इस तरह चूड़ी का नंबर, तो ये है 26 नंबर, ठीक है ना, अरे कैमरे को हिला रहा है। तो ये है जनाब
26 नंबर देख लिया। अभी मैं इसे छोड़ूंगा छोटे जाल में, छोटे से वो केज में, तो आइए वहाँ पर छोड़ दूँ ताकि ये कुछ शहद बना ले, क्योंकि आज तो इसे नहीं उड़ाना ना मैंने। तो आगे देखते हैं जो दूसरा नज़र आ रहा था वो कहाँ है। तो यहाँ पे मैंने इसे छोड़ दिया, ये देख सकते हैं, बाकी कबूतर भी बैठे हैं मेरे इसी तरह। तो ये इस तरह मैंने इसे छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पर दाना वाना खाए और फिर यहाँ से जब ये कल इसकी फिर परवाह देंगे इसको। अरे यार, एक बच्चा बेचारा मेरा ख्याल में मर गया मेरा, सांस की प्रॉब्लम की वजह से मैंने दवाई दी थी उसे, वो तो बेचारा नहीं बच सका, तो बेचारा मर ही गया। तो इसने बड़ी विट्ठे मारी हैं लेकिन बच नहीं सका, ये देख सकते हैं आप, इसने बड़ी विट्ठे मारी लेकिन बच नहीं सका बेचारा, मर गया मेरा। ये देखिए, बहुत अच्छा बच्चा था जोड़े का यार, मर गया, बहुत ही अच्छा बच्चा था। कल इसकी शदीद बहुत बीमार हो गया था यार, बहुत अच्छा बच्चा था यार, मर गया। अभी इसके चेहरे से पानी भी आ रहा है मुंह से, क्योंकि इसको सांस की थोड़ी तकलीफ हुई थी, जिसकी वजह से बच्चा था ना, छोटा बच्चा था, जीरो कली का बच्चा था ये, जीरो कली का बच्चा था ये, मर गया क्योंकि सांस की बीमार प्रॉब्लम की वजह से मरा। और देखें ये भी सांस में है बेचारे, इनका भी इलाज चल रहा है। तो कल इसको भी मादी को मैंने इलाज किया था, ये मादी जो ऊपर बैठी है मेरी, उसे भी सांस हुई थी। ये भी मेरी 67 नंबर की पट्टी है और ये भी, तो बस अभी क्या करें, बेचारा मर गया यार बच्चा, बड़ा अफसोस हुआ यार, बड़ा अफसोस।